नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज जो विषय मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है मित्रों, ना देवी ना देवता ना शिव राम कन्हैया, क्या सबसे बड़ा रुपया या सबसे बड़ा कौन। तर्क के साथ संक्षिप्त तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सब्सक्राइब करें गायत्री ज्योतिष केंद्र को, बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी देवी देवता शिव राम कृष्ण कन्हैया, ये तब हैं जब इस धरती पर हम हैं। यदि हम ही नहीं तो इनका कोई औचित्य मूल्य नहीं है, और यदि हम हैं और हमारे अंदर निवास करने वाली आत्मा का इन पे विश्वास है, वह इन्हें मानती है, तो इनका औचित्य है। यदि हमारे अंदर निवास करने वाली आत्मा इन्हें नहीं मानती, वह सांसारिक सुख भोग पैसा के बीच में ही यदि उस आत्मा का चक्र चल रहा है तो भी इनका कोई औचित्य नहीं है। और साथ में इस निर्जीव शरीर के भीतर की सजीव आत्मा का भी कोई औचित्य नहीं है। इस आत्मा के लिए यह शरीर ही सबसे बड़ा, सांसारिक सुख भोग विलासिता पैसा ही बड़ा है। यदि शरीर के अंदर की आत्मा इन सभी देवी देवता शिव राम कृष्ण कन्हैया को मानती है, पूजती है और इनके ऊपर उस आत्मा का अटूट विश्वास है और इन्हीं के सद्गुणों पे चलते हुए वह अपना जीवन यापन यदि कर रही है, तो उस आत्मा के लिए यही सबसे बड़े हैं। किंतु इन सबसे भी बड़ी एक चीज है, वह है यही आत्मा। यह आत्मा इसलिए बड़ी है कि वह इन्हें मानती है, पूजती है। यदि वह इन्हें मानती नहीं, पूजती नहीं, उस आत्मा का विश्वास इनके ऊपर नहीं होता, तो उस आत्मा के लिए संसारिक भोग विलासिता पैसा ही बड़ा होता। तो इस वीडियो से आप यह जरूर समझ गए होंगे कि हमारा जो टॉपिक था कि ना देवी ना देवता ना शिव राम कन्हैया, क्या सबसे बड़ा रुपया या सबसे बड़ा कौन। तो मित्रों, आप जरूर समझ गए होंगे, आपकी आत्मा आपको बता रही होगी कि सबसे बड़ा कौन। तो मित्रों, वीडियो छोटा था, संक्षिप्त था और तार्किक तौर पे था। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ज्योतिष संबंधी जानकारी, यंत्र मंत्र तंत्र हर प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, प्रतिदिन का राशिफल हम आप लोगों को देते हैं। तो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मित्रों, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।